are you on vacation? Ya chahiye peace of mind. लाओ बीवी बच्चे सबसे हैं अच्छे यहाँ के लोग हैं वन ऑफ अ काइंड है फूड यहाँ का स्पेशल यहाँ पे हर दम है ठंडी हवा यहाँ पे सनशाइन है वाइन है फाइन है यहाँ की लाइफ शिलोंग हॉलिडे होम शिलोंग हॉलिडे Shillong holiday home 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 बिना काम जाने पैसा एक ढेला पैसा नहीं दूंगा तुमको समझे भाग यहां से ये बड़ी मेहनत से कमाई हुई रिश्वत का पैसा है What do you mean मेरा रोमियो है पहली बात तो ना वो मेरा रोमियो है और ना मैं उसकी जूलियट और दूसरी बात ये कि मुझे ये पटाने वटाने की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद वो यहाँ जो भी मांगने आया है ना मुझे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है लौकी के साथ कॉफी की चटनी बहुत मजा आएगा सो रहे हो तुम ये देखो क्या मिला मुझे ये भी किस चीज में यूज किया होगा आप लोग शायद सफर से थक गए होंगे कमरे तैयार है ए, दोजो, जाओ इन्हें इनके कमरे तक ले जाओ बनवारी को छोड़ो तो ये बताओ परी को देखा है नहीं सर सर अपनी कमरे पे होगी जाओ इन्हें लेके जाओ जी सर आप लोग जाइए सर वेलकम टू शिलोंग हॉलीडे होम प्लीज फॉलो मी सर आप लोग जाइए मैं फॉलो करता हूँ सुनो ये ट्रॉली बैग है सर ये बताइए आपको किसने भर्ती किया था फोर्स में कहाँ से ले आए गधे के बच्चा है गधो ये रहा फिर से लंबी रास्ते से लेकर आए हो है साहब लंबी रास्ता नहीं है शॉर्टकट है हाँ अगर गवर्नमेंट फंडिंग से अपनी गाड़ी की जगह जंगल का रोड की बनवाई में पैसा डाला होता है ये शॉर्टकट ही होता है चुप मूर्खो चुप इस स्थान का नाम लिया तो इनसे कोई बुरा होगा ही नहीं हाँ अच्छा हुआ रट लिया मुझे बार बार याद दिलानी नहीं पड़ेगी समझे और ये वो पैकेट कहाँ है तुम में से किसके पास है वो पैकेट मेरे पास है हाँ संभाल के चलना गिरा मत देना समझे नहीं तो उसमें उतना है जितने तुम्हारे जैसे 10 लोग हो हाँ और सुन लो उसे लेकर भाग मत जाना
मेरे हाथ बहुत लंबे हैं, कानून से भी लंबे। हाँ अरे क्या कानून के हाथ छोटे होते हैं? हाँ का तो पता नहीं, हाँ बड़े लंबे हैं। लेकिन रोमियो साहब को आप क्यों लेकर आए? अरे उस गधे के बच्चे का नाम मत लो, समझे? हैं? उसको कुछ काम नहीं आता है, क्या देख रहे थे? हैं? उस बाबा से आशीर्वाद लेना भी नहीं आया उसको, बिल्कुल अपने माँ पे नहीं, उस पे गया है वो। लेकिन गांव वाले तो कह रहे थे कि अपने बाप पे गया है 100%। अच्छा हाँ। और क्या क्या कहते उल्लू के पट्टे? यही कि आप भी अपने पिताजी से। पिताजी से क्या है? मैं भी पिताजी से क्या? वही सही कह लिया, क्या कहते जैसे कि रोमियो आपसे। चुप चुप, बड़ी लंबी जुबान हो गई इन नमक हरामों की। हैं? उन्होंने आपका नमक कब खाया? अरे सदियों से यहाँ पर इस दुर्गा कुंड में हमारा राज चलता आया है, समझे? अंग्रेजों के जमाने से, समझे? लेकिन गांव वाले तो कह रहे थे कि क्या थे आप राज करने वालों के यहाँ। अरे जलते हैं ये सब के सब, हमारे खानदान से जलते हैं, हमारे पुरखों से जलते हैं। एक बार इलेक्शन जीत जाओ ना, इन सबके मुंह में एक एक ताला लगा दूंगा। नहीं लगाया तो मेरा नाम हीरो सांगमा नहीं, मैं बता दिया तुमको। चलो ऐसे ही लगाएंगे, ज्यादा दिखा दो। बेटा बेटा उठ जा, बहुत देर हो चुकी है। अरे देख बहुत सारे काम पड़े हैं, अब तो बाबा जी के गेस्ट भी आ गए हैं। बेटा पूरी उठना उठना। देख मैं जानता हूँ तू बाबा जी में विश्वास नहीं रखती है, लेकिन मेरी बात भी तू मान जा एक बार। एक बारी हवन हो लेने दे, उसके बाद ना मैं तुझे पूरे एक दिन की छुट्टी दूंगा। उठ। देख मैं तेरी दादी को बाबा जी के दर्शन के लिए ले जा रहा हूँ। सो जा। जय हो बाबा जी की, जय हो जय हो, जय हो जय हो बाबा जी की। नमस्कार बाबा जी, सब कुशल मंगल तो है ना? बाबा जहाँ रहते हैं वहाँ कुशल मंगल ही होता है। सत्य वचन सत्य वचन सत्य वचन। बाबा जी आप सभी के दुखों को हरण कर लेते हैं, निवारण करते हैं। आप जरा इस भक्त की तरफ भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए, कृपा दृष्टि डालिए भी। अहम कुर्म स्वामी। मतलब हमारे बाबा जी भगवान विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने अगर आपकी समस्या का समाधान करने का वचन दिया है तो वो उसे अवश्य ही पूरा करेंगे। इस पर तो मुझे कोई शक नहीं है बाबा, लेकिन बाबा आप ये बताइए कि ये मेरे जीते की हो जाएगा समाधान? शीघ्र ही होगा, थोड़ा धीरज रखें। बाबा जी ने दुर्गा कुंड की उन्नति के लिए जो हवन की घोषणा की है, सबसे ज्यादा फायदा आपको ही होगा। जय हो बाबा जी की, जय हो। कंचा बाबा जी को भेज दो मेरे तरफ से। बाबा जी हाँ, बढ़ाओ आगे बढ़ाओ बाबा जी के लिए।
माता। जय हो बाबा जी की, जय हो, हे बाबा जी, जय हो आपकी, आप तो परमात्मा हैं। बालक, बाबा तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। तुम्हारी कोई और इच्छा हो वो भी बाबा को बताओ, अवश्य पूरी होगी। अब बाबा जी और क्या इच्छा हो सकती है, बस बस मेरे बेटे को आप माफ कर दीजिए और उसकी मनोकामना पूर्ति कर दीजिए। तथास्तु। जय हो बाबा जी, जय हो। चिरंजीवी भव, सुखे भव। बाबा जी, ये मेरी माँ है, आपके दर्शन की अभिलाषी थी तो मिले आया। चिरंजीवी भव पुत्री। बच्चा, तुम अपनी पुत्री पोरी की कुंडली लाए हो? हाँ हाँ लाया हूँ, ये लीजिए बाबा जी। तुम्हारी पुत्री की कुंडली तो बहुत ही अच्छी है, किंतु किंतु क्या बाबा? किंतु इसका मंगल नीच है, इसीलिए इसे कोई ढंग का वर नहीं मिल रहा। मंगल को चंद्र के निकट बिठाना होगा, तभी तुम्हारी पुत्री का भाग्य उदय होगा। लेकिन बाबा, हम तो तुच्छ प्राणी हैं, हम तो एक कद्दू नहीं उठा सकते, तो मंगल को उठाकर चंद्रमा के बगल में कैसे बिठाएंगे? दुखी ना हो पुत्री, इसीलिए तो बाबा यहाँ आए हैं, तुम सबके कष्टों को दूर करने के लिए। तो क्या बाबा जी मंगल को उठा लेंगे? बाबा जी तो पूरे ब्रह्मांड को उठा रहे हैं। मंगल क्या चीज़? धन्य धन्य है बाबा जी। और वत्सराम, बाबा जी ने तुम्हारे धन धान्य के समस्या का समाधान भी ढूंढ लिया है। अच्छा, बताइए मुझे क्या करना होगा? तुम्हें कुछ नहीं करना, सब कुछ हमारा पुत्र हीरो करेगा। धन्य है बाबा, धन्य धन्य है बाबा। पर बाबा, ये तो मेरा हॉलीडे होम को तोड़कर उसकी जमीन खोदकर खजाना ढूंढना चाहता है। बस उसमें भी तुम्हारा ही भला है। हाँ देखा बरुआ, मैं तो कह ही रहा था, तुम तो मानते ही नहीं हो मेरे बात को, हाँ? आंखों में पट्टी बांध कर रखे हो और कान में रुई डाल के रखिया, और साथ में तुम्हारी किस्मत भी। मैं समझा नहीं। तुम्हारा शिलोंग हॉलीडे होम
कुबेर के खजाने के ऊपर बैठा हुआ है। तुम्हें उस जमीन को खोदकर खजाने को बाहर निकालना है। उसी से तुम्हारा और हीरो पुत्र का कल्याण होगा। तुम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करोगे। जय हो बाबा की, जय हो, जय हो बाबा की। लेकिन अगर मेरा होटल ही नहीं रहेगा तो मेरी फैमिली का गुजारा कैसे होगा? कुछ ही दिनों की बात है वत्सराम, उसके पश्चात तुम्हारी गिनती केवल भारतवर्ष में नहीं दुनिया के सबसे अमीर लोगों में होगी और तुम्हारी पुत्री का विवाह बहुत ही बड़े आदमी से होगा। सच? उसे मन चाहा वर मिलेगा। उसका जो सारा जीवन दुखों से व्यतीत हुआ अब वो हमेशा सुखी रहेगी। परसों हम तुम्हारी और दुर्गा कुंड की उन्नति के लिए ही यज्ञ करवा रहे हैं। लेकिन परसों बहुत जल्दी है, हम इतनी तैयारी कैसे कर लेंगे? फिर तुम कहां से कहां पहुंच जाओगे? तुमने कभी स्वप्न में नहीं सोचा होगा। इसकी चिंता तुम मत करो, इसीलिए हमने अपने भक्तों को विदेश से बुलाया है। वो और हीरो मिलकर तुम्हारी सारी समस्या दूर करेंगे, तुम्हारी सहायता करेंगे। जी प्रभु जी, मैं तैयार हूँ बाबा जी। भले ही राम मुझे अपना दुश्मन समझे, लेकिन मैं इसको मदद करने के लिए सदा तत्पर हूँ। बाबा जी प्रसन्न है, कार्य में बाधा ना आए इसलिए पुत्र हीरो तुम सारी कानूनी कार्रवाई कर लो। इस यज्ञ में सभी दुर्गा कुंड के वासियों का रहना आवश्यक है। लेकिन बाबा, मेरी पुत्री पोरी आप पर विश्वास नहीं करते हैं। अरे राम बरुआ, वो औलाद ही क्या जो माँ बाप की बात ना सुने हैं? अरे औलाद को कैसे मनवाना है वो मुझसे सीखो, है कि नहीं? हाँ, हैं? हाँ। कैसे? डांट कर, मार कर। हाँ? उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बाबा जी स्वयं उसे समझा देंगे। सच? बिल्कुल सच। अब आप जाइए और यज्ञ की तैयारी कीजिए। बाबा जी को भी इस कार्य के लिए विशेष साधना करनी। जी बाबा जी, मैं अब भी जाकर एक कोर्ट कचहरी के जितने भी कागजात हैं सब लेकर यहाँ आता हूँ। राम बरुआ, तुम तैयार रहना, तुम साइन करना, बस बाकी मुझ पर छोड़ देना। हाँ हाय बाबा जी की जय हो। परम पूज्य, इच्छा पूरा मंगलकारा, जंगलवासी सात सत्यासी, हिम पलासी दुखों के लिए महाभारी, मोन व्रतधारी स्वामी मोनी कुर्मेश्वर महाराज की जय। अब दुर्गा कुंड वासियों को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हमारे साथ है। जय हो बाबा, जय हो। इट्स वेरी अर्जेंट, प्लीज। अरे उसको बोलो जल्दी आएगा। अरे वही तो बोल रहा हूँ। थैंक यू क्या thank हो रहा है ये सब? सफाई। राम बाबू ने कहा कि परसों यज्ञ यही होने वाला है और उसके बाद हीरो सांगमा खुदाई करवाएंगे और कुबेर का खजाना निकलवाएंगे रजिस्टर खोल के। जितना मैंने सोचा था उससे कई ज्यादा तेजी से चीजें आगे बढ़ रही हैं। ठीक है बनवारी, तुम जल्दी से काम खत्म करो। वही तो कर रहे हैं हम रजिस्टर खोल के। शाका जी, तुम कितने थके हुए लग रहे हो, एक काम करो, तुम ना थोड़ी देर जाकर आराम कर लो। नहीं मैडम, बहुत काम है। अभी बनवारी और दोजो कर रहे हैं ना काम, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, वरना तुम ये सब्जियों के बदले ना अपनी उंगलियां काटते रह जाओगे।
जो मैं कह रही हूँ वो करो, जाओ जाकर आराम कर लो। मेरा नाम है शाका। शाका जी, तुम्हारा कमरा उधर है, यहाँ कहाँ जा रहे हो? सीधे अपने कमरे में जाओ। और पापा कहाँ पर है पता है क्या? वो अभी आते ही होंगे। लो नाम लिया और आ गए, 100 साल जिएंगे रजिस्टर खोल के। पापा बनवारी जो कह रहा है क्या वो सच है? हाँ बेटा, मगर देखो बेटा ये ना सबके लिए भला होगा, तेरा मेरा और पूरे दुर्गा कुंड के लोगों का भला होगा इससे। मुझे ना आप पर पूरा भरोसा है, आप जो कुछ भी करेंगे मैं आपके साथ हूँ। ये तो चमत्कार हो गया, हम तो डर रहे थे कि ये नहीं मानेगी, लेकिन सहमत है। धन्य हो बाबा जी, लेकिन मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हुआ कैसे। पापा ये बाबा जी की ही तो कृपा है। हाँ। मुझे तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ पापा, वो मैं ही गलत थी जो मैं बाबा जी पर विश्वास नहीं कर रही थी। मुझे ना यकीन हो गया, मैं जब कल जंगल में गई ना तो मैंने उनका विश्व रूप देखा। बाबा का विश्व रूप देखा? हाँ दादी। अरे तोरी तो धन्य हो गई बेटा, रूप के दर्शन जो है ना वो बहुत दुर्लभ होते हैं बेटा। अरे पोरी तूने तो जीते जी स्वर्ग पा लिया बेटा। हाँ दादी, मैं ना एकदम दंग रह गई, इतना सुंदर दृश्य, मेरे पास तो कोई शब्द भी नहीं थे कहने के लिए। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी ही गलती, एंड आई एम रियली सॉरी जो मैंने आपको ना इतना बुरा भला कहा, आई एम सॉरी। अरे गलती तो इंसान से ही होती है, मुझे तो इस बात की खुशी है कि तू सच्चाई से वाकिफ हो गई। अब देखना बहुत जल्दी हमारी किस्मत बदल जाएगी। अच्छा वो सांगमा जी नहीं आया अभी तक? आएंगे अभी साइन करवाने के लिए। वेरी गुड पापा, आप ना उनसे साइन करवाइए, तब तक मैं ना बाबा जी के दर्शन करके आती हूँ। सबसे पहले तो मैं उनके पैर पड़ूंगी और उनसे माफी मांगूंगी कि मैंने उन पर विश्वास नहीं किया। जरूर जाओ बेटी, देखना वो तुझे माफ कर देंगे और ऐसा बिहेव करेंगे जैसे कि तूने कुछ किया ही ना हो। सच? फिर तो मैं अभी जाना चाहूंगी माफी मांगने। लेकिन वो तो अभी यज्ञ के लिए विशेष साधना कर रहे हैं। कोई नहीं पापा, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी, और अगर वो डिस्टर्ब भी होते हैं ना तो मैं उसके लिए भी माफी मांग लूंगी। ठीक है पापा, मैं यू गई और यू आई, सिलची को मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ। ठीक है, ठीक है, जा मिल ले। तूने इसका मौन व्रत कैसे तोड़ा? पापा इसमें सिलची ने मेरी हेल्प की। अरे ये क्या हो रहा है, ये खुद नहीं क्यों हो रही है? अरे कोई कुछ करो। हे भगवान, अरे खुद नहीं हो रही है।